10 तारीख को, 10 मई को उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी है, स्मॉल फाइनेंस कंपनी जो होती है, लोगों को लोन दे करके फिर उसके लिया जाता है, उसके यहाँ लूट की जो है एक 9,49,000 लूट की घटना हुई थी, जिसमें घटना इस प्रकार से हुई थी कि उसके एक कर्मी जो कलेक्शन का पैसा होता है उसको बैंक ऑफ इंडिया उसके पास ही है, कुछ ही दूरी पर है, उसमें जमा करने के लिए जा रहे थे और जैसे ही बैंक से निकले ये अपराधी उसे छीन लिए। सर एक मिनट, तो इस घटनाक्रम में इसका भी सफल उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें जो बात सामने आई ये था कि बैंक ऑफ इंडिया जिसमें पैसा जमा करने जाते थे उसका एक कर्मी है, सफाई कर्मी और उसका काम करने वाला, जिसको कि जो रमेश पासवान है, इन्होंने बताया था इन अपराधियों को कि 10:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक ये लोग डेली पैसा जमा करने आते हैं और इनके ही लाइनिंग पर जो मुख्य अभियुक्त इसमें है, ये लोग इसमें भी जो एक अभियुक्त है उमेश महतो, वो दोनों में कॉमन है, तो उमेश महतो वहीं के हैं और पूर्व से भी आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा है, और एक कृष्णा राम वहीं का है ये भी, रिगवाड़ा का, इन लोगों के द्वारा इसका साजिश की गई और साथ ही साथ इन्होंने परसा से भी कुछ अपराध करने को इन्वाइट किया था, क्योंकि स्थानीय रहने के कारण ये सीधे तौर पर सामने नहीं जाना चाह रहे थे और इनके द्वारा घटना की गई। इनमें इसमें भी हम लोगों को जिन इन लोगों का जो हिस्सा मिला था उसमें से कुछ राशि इन्होंने खर्च कर दिया था, लेकिन उमेश पासवान के पास से 30,000, कृष्णाराम के पास से भी 25,000 और जो चपरासी है उसके पास से 10,000 और बैग जो है वो जिसमें कि वो लूट करके ले जा रहे थे वो भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो मुख्य और अपराधी सम्मिलित हैं उनके बारे में जानकारी है, लगातार छापेमारी की जा रही है और वो भी बची हुई राशि और अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी कर रहे हैं।